अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको तीन तवा गुडे का फरमा बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले चार शीटें ले लें, 26 बाई 26 की शीटों को आपस में जोड़ लें अच्छी तरह, लेवी लगा के जोड़ दें इस तरह, अच्छी तरह लेवी लगा के इस तरह शीटों को आपस में मिला लें। आप दोष दे सकते हैं कि जोड़ सही तरीके से डल गया है। कपड़े की मदद से जोड़ को साफ कर लें और दूसरी तरफ भी दो शीटें लगा दें। शीट का साइज जो करना है 45 बाई 45 करना है। तीन तावे गुडे की गल का साइज 50 इंच और कमान का साइज 72 इंच होता है। लेवी लगा कर इस तरह जोड़ लें। चार शीटों को आपस में मिलाना है। तीन शीटें आपस में मिल चुकी हैं, अब चौथी शीट को भी जोड़ लगा के आपस में जोड़ना है। इस तरह ऊपर रखकर लेवी लगानी है और यहाँ पर भी लेवी लगानी है। इस तरह से ही शीट को आपस में मिलाना है और कपड़े की मदद से सफाई कर देनी है। आप दोस्त देख सकते हैं कि चार शीटें आपस में मिल चुकी हैं। तीन तावे गुडे की शीट का साइज 45 बाई 45 होता है और इसकी कमान का साइज 72 इंच और गज का साइज 50 इंच होता है। इस तरह इजाफी पेपर को काट देना है और दोनों तरफ से शीट का साइज 45 बाई 45 करना है। इजाफी पेपर को इस तरह फोल्ड करके काट देना है कटर की मदद से। बिल्कुल सीधा काटना है। आप दोस्त देख सकते हैं कि एक साइड से शीट का साइज 45 बाई 45 हो गया है, अब दूसरी तरफ से भी 45 इंच करना है। इजाफी पेपर को काट देना है। कटर की मदद से बिल्कुल सीधा काटना है। तीन तावे गुडे की गज का साइज 50 इंच और कमान 72 इंच होती है। इस तरह पेपर को डबल फोल्ड करके पेपर को डबल फोल्ड करना है। इस तरह डबल फोल्ड करके इंची टेप की मदद से इस तरह 25 इंच पर कटिंग करनी है और दूसरे नीचे वाले 26 इंच पर कटिंग करनी है।
कट लगाने हैं। इस तरह 25 इंच वाली साइड को बिल्कुल सीधा काटना है। इस साइड को बिल्कुल सीधा काटना है और इसकी विड्थ जो होती है 60 इंच होती है। 30 इंच से गुलाई देनी है, यहाँ से गुलाई देनी है और दूसरी तरफ से 3 लाइन खींचनी है और यहाँ से काटना शुरू करना है और बिल्कुल सीधा काटना है यहाँ तक और दूसरी तरफ से थोड़ी सी गुलाई करके सेटिंग कर लेनी है। आप दोस्त देख सकते हैं कि 3 तावे गुड्डे का फर्मा तैयार हो गया है।